अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ेब्रोक्स एंड आई एम वाचिंग फ्रांसिंग विद ज़ेब। सो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर फेसबुक पेज पे कोई वीडियो अपलोड करते हो, आपका एंटरटेनमेंट का पेज है या फिर आपको कोई ऐसा पेज है, आप ब्लॉगिंग वीडियो अपलोड करते हो, मतलब कि आपने कोई भी वीडियो अपलोड की है अपने पेज पर, आप उस वीडियो के ऊपर व्यूज लाना चाहते हो, आप अर्निंग करना चाहते हो फेसबुक पेज से, तो आपको क्या करना होगा कि वीडियो अपलोड करना होगी लाइक यूट्यूब जैसे एल्गोरिथम काम करता है कि आपको कुछ उसकी मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया एलजीबी क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, देन आप फेसबुक पेज अर्निंग कर सकते हो। सो उसके लिए आपको वीडियो अपलोड करना होगा, एंड देन जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो उस वीडियो एड्स आएंगे एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फेसबुक पेज। सो वीडियो अपलोड तो कर दी बट उसके बाद हमने उसके ऊपर व्यूज भी लाने हैं, तो व्यूज कैसे लाने हैं वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो आप कंप्लीटली एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा ऐसा मेथड है, फ्री तो नहीं होगा बट चीप होगा, कि जिसके थ्रू आप बहुत सारे व्यूज ला सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। सो मेक श्योर एंड थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने भी बात की है कि आप लोग अगर फेसबुक पेज से अर्निंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, अपने पेज के ऊपर वीडियोस अपलोड करना होगी। जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल बनाओ, चैनल के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड करो, देन उसका कुछ मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको कंप्लीट करो एंड यू आर गुड टू गो, यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब। एज वेल एज फेसबुक भी इसी तरह से काम करता है, यू हैव टू क्रिएट योर फेसबुक पेज एंड देन अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, और उसके ऊपर आपने क्या लेकर आनी है, ट्रैफिक बहुत सारी, और ट्रैफिक को आपने क्या करना है, अपनी अर्निंग में कन्वर्ट करना है। सो अब ये देखो, हमने फेसबुक का पेज बना लिया, फेसबुक के ऊपर वीडियोस भी अपलोड कर दी। अब हमारे रह गए दो काम, कि हमने एक तो लानी है ट्रैफिक वीडियोस के ऊपर, और ट्रैफिक लाने के बाद उनको हमने अर्निंग में कन्वर्ट करना है। तो अब अगर तो हमने पेज बना लिया, वीडियो भी अपलोड कर दी, ट्रैफिक भी आ गया, तो हमारी अर्निंग कैसे होगी? आप देखो यहाँ पर क्रिएटिव स्टूडियो पर आओ फेसबुक के, और क्रिएटिव स्टूडियो पर आने के बाद ये मोनेटाइजेशन का बटन है, आप इस पर क्लिक करो। ओके तो यहाँ पे आपको ये आप जितने भी फेसबुक के पेजेस हैं आपकी उस आईडी के ऊपर वो आपको शो कर देगा, और उन पेज पे आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं करता। तो मेरा ये जो पेज है ये नॉट एलिजिबल है फेसबुक से अर्निंग करने के लिए, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू अर्न फ्रॉम फेसबुक पेज। सो यहाँ पे अब डेली अपडेट होता है, आप जैसे जैसे वीडियोज अपलोड करते जाओगे अपने पेज के ऊपर उसी तरीके से ये आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको इम्प्रूव करता जाएगा, एंड एक टाइम आएगा कि आपका जो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और ये आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, नाउ यू कैन अर्न फ्रॉम योर फेसबुक पेज। ओके सो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कितनी क्राइटेरिया आपका जो कंप्लीट हो चुकी है और कितनी आपकी रिमेनिंग चीज़ें हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने एड्स लगाने हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो आप सिंपली आ जाओ अपने फेसबुक पेज के एड सेंटर में, और आने के बाद आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करो, गेट मोर वीडियो व्यूज़। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव दे देना है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी दे दिया, जो कि है हमारा वीडियो व्यूज़। और अब यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं आप जो भी वीडियो अपलोड करोगे आपने वो। अब यहाँ पे अगर आप ऐड क्रिएटिव बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब के ऊपर तो वो भी चूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से यू द पोस्ट के बटन में क्लिक करूँ, और यहाँ पे मेरी जो पोस्ट हैं ऑलरेडी जो मैंने कर रखी है उनको मैं चूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट जितनी भी हैं आ जाएंगी। सो ये एक मेरी वीडियो है, इस वीडियो को मैं चूज़ करना चाहता हूँ, तो यूज पोस्ट के बटन में क्लिक किया और ये मेरी वीडियो अपलोड हो गई। यहाँ पे उसने डायरेक्टली पिक कर ली, मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे क्या है कि यही चीज़ अगर मैं बिजनेस मैनेजर में करता तो ये जो मेरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही कंप्लीट इस तरह से शो होती, बट यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है नहीं आप कर सकते 90 करेक्टर से ज़्यादा, तो इसको मुझे डेफिनेटली रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने का मुझे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो नहीं पहुँचेगी, तो मुझे मे बी रिजल्ट ना मिले। ओके सो आपने क्या करना है, इस तरह से अपनी ऐड क्रिएटिव में आकर डिस्क्रिप्शन दे देनी है, और उसके बाद वीडियो आपने पिक कर लेनी है, वीडियो का आपने थंबनेल कोई सा भी लगा सकते हो या, ठीक है। करने के बाद आपने आ जाना स्क्रॉल डाउन करके नीचे, और आपने अपनी ऑडियंस चूज़ कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे डेली बजट है मेरा 500, और 500 में जो मुझे पीपल रीच करेंगे 4.8K to 14K। अब यहाँ पे मुझे शो कर रहा है लिंक क्लिक्स ना कि वीडियो व्यूज़, उसने मुझे बोला। हालांकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये वीडियो व्यूज़ का है, मुझे व्यूज़ चाहिए बहुत सारे अपने वीडियोस के ऊपर, बट वो यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है, लिंक क्लिक्स। तो मुझे लिंक क्लिक्स तो नहीं चाहिए, मुझे वीडियो के एक्चुअल में व्यूज़ चाहिए। और अब व्यूज़ तो मुझे आ गए, बट व्यूज़ के बाद अगर मैंने यहाँ पे कोई लिंक दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक दिया है अपने कोर्स का, बट वो मैंने रिमूव कर दिया, अपने कोर्स का लिंक दिया था, तो ये मुझे वहीं पे लेके जा रहा है, मूव कर रहा है कि आपको इस वीडियो के थ्रू लिंक क्लिक्स आएंगे बट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ मुझे क्यों दी जा रही है, ये जो लिंक है youtube.com इसने खुद ही पिक कर लिया, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लिंक नहीं दिया, आपको भी कहीं पे लिंक नज़र नहीं आ रहा होगा। यही चीज़ है कि आप अगर डायरेक्टली काम करते हो तो 80% कंट्रोल फेसबुक के हाथ में होता है और 20% कंट्रोल आपके हाथ में होता है, बट अगर आप बिजनेस मैनेजर को यूज़ करो दैन डेफिनेटली 100% कंट्रोल आपके पास है, एंड आपको पता है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैंने क्या करना है और मैं करूँगा भी कैसे।
सो इस तरीके से आप डायरेक्टली अपनी वीडियो को रन कर सकते हो, ऐड लगा सकते हो एंड देन अर्निंग कर सकते हो। बट अगर आप परफेक्ट अर्निंग करना चाहते हो देन आपको बिजनेस मैनेजर की बात करनी पड़ेगी, जो हम इन फ्यूचर वीडियोज में बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।